देख दो वन विभाग पड़ा करना है आवश्यक तो वन विभाग वो जिन्नू रायन था ये सोचे ताली ऐसा पालतू एक तो बोलूं तो आया हुआ हूँ मैं यहाँ कोई किसी के घर में रात का बड़बड़ाने तो सब बकरियां मार दी जानवर घर में रात का बड़ जानवर मतलब जंगली जानवर तो जंगली जानवर हो जो छह बकरियां घरो दबान मार दी गरीब आदमी है पटवारी वगैरह रिपोर्ट करी बने ने आप कोई मुआवजा वगैरह दे रहा हो इन्हें आप कहने बेदुला हाँ फिर अभी मैं भेजता हूँ कोई फिर पटवारी कोई बुलाना वो रिपोर्ट एफ आई आर रिपोर्ट हाँ पूरी रिपोर्ट है मेडिकल रिपोर्ट और एफ आई आर की कॉपी वगैरह सब है ना तो इन्हें अच्छो थोड़ो कह करवा दूंगा जब करवाओ गरीब आदमी है बकरियाँ पालती है ठीक है ना नाम है मंसूर अली पुत्र गुलजार अली तो ये आ जाएगा अभी है ना पूरी मदद कर दो सर ठीक एक मिनट साहब
सर एक सेकंड, एक सेकंड बाइट देनी पड़ेगी सर, वो बाइट देनी। नहीं नहीं सर, एक सेकंड, कोई ना जी। और उंदा के अंदर काफ़ी लंबे समय से मांग थी और धरना दिया हुआ था, मैं धरना स्थल पे आया था। मैंने कहा था कि अगर ये मांग पूरी नहीं होगी तो मैं खुद धरना दूंगा। मैंने बड़ा प्रयत्न किया और तीन पद पहले से हैं, दो पद और हो गए हैं, कल या परसों न्यूज में आ जाएगा। वित्तीय स्वीकृति सीएम साहब की वगैरह सब मिल गई है, फाइल होके हो गई है, तो ये काम हो जाएगा। 1 करोड़ रुपये मेरे डॉक्टर या दिए हुए हैं हॉस्पिटल में। मैंने कल वहाँ भी बात की थी, उन्होंने कहा कि साहब एजेंसी चेंज करनी पड़ेगी, ब्लॉक सीएमएस को दिया हुआ काम, अब एजेंसी चेंज करनी पड़ेगी, तो भाई चेंज करके करो काम। ये उसका सर्वे हो चुका है सर, अभी सर्वे होने के बाद ही काम। हाँ, पर वो सर्वे हो चुका है, पर अभी बता रहे हैं कि एजेंसी चेंज करनी पड़ेगी, कार्यकारी एजेंसी चेंज होगी, तो चेंज जो भी होगा, अपने 1 करोड़ रुपये दिए हुए हैं पहले से ही मेरे, तो वो चेंज हो करके जो भी है काम करना है। और अब डॉक्टर भी लगा देंगे, पद सर्जित हो गए। ये मुझे इसके लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ा, सब लोगों से मेरे को डरना पड़ा। मैं बोरुंदा उसके बाद में आज ही आया हूँ, पहले उस दिन के बाद में नहीं आया। मैं चाहूँगा नहीं, पद सर्जित करवा के ही जाऊँगा। तो इसीलिए सर निवेदन ये है कि सीएम साहब अशोक गहलोत ने पूरे राजस्थान में 19 जिले देकर और तमाम आवश्यकताओं को प्राथमिक देकर उन्हें राजस्थान में बेहतरीन कार्य किया है। सर आप अशोक गहलोत साहब को आइडियल मानते हैं, तो सर आप भी अपनी विधानसभा क्षेत्र में गहलोत साहब के पद चिन्हों पर चलकर आप भी विकास की गंगा बहाने में कितना सहयोग रहेगा सर? मेरा खूब है, मैंने खूब काम करवाया अपने यहाँ भी, देखो उप तहसील खुलवा दी, यहाँ जो है विकास पथ करवा दिया, आदर्श सीएससी के लिए मैंने 1 करोड़ रुपया दे दिया, और अभी डॉक्टरों के पद सर्जित करवा दिए, सड़क वो ये मेड़ता और दांतीवाड़ा वाली सड़क बनवा दी, तो काम का मैंने कोई कसर नहीं छोड़ा, खूब काम। सर ग्रामीणों की मांगे आपने सर अभी दो पद बताए आपने कि सर्जित हो जाएंगे, लेकिन ग्रामीण मांगे सर 30 से 50 बेड अगर बोरना अस्पताल हो जाए तो सर आसपास की परिधि करीब 20 किलोमीटर के सैकड़ों मरीजों को फायदा होगा सर, इसके लिए आपका क्या प्रयत्न रहेगा? अब मेरा तो पर्यटन तो है ही है, लेकिन अब तो टाइम नजदीक आ गया प्रचार करने का, तो अब तो मैं निवेदन करूंगा कि प्रचार करो और गाड़ी वापस लाओ, जो ठोकर के उप जिला अस्पताल बना दूंगा, ये मेरा दावा है। अगर मेरा मौका मिल गया तो बोरुंदा में उप जिला हॉस्पिटल बनवा दूंगा। जिला अस्पताल तो पिपाड़ में बन गया, और यहाँ बोरुंदा बड़ा कस्बा है, आस पास में काफ़ी मामला है। थाने का मैंने बजट स्वीकृत करवा दिया, तहसील का भी करवा दिया, तो तहसील और थाना भी ये बन के तैयार हो जाएंगे, और वापस भाईसानों की मेहरबानी से जीत गया तो उप जिला हॉस्पिटल करवा दूंगा। अभी सर बिलड़ा में कार्यक्रम में आपने एक बात कही थी, बिलड़ा विधानसभा क्षेत्र को आदर्श विधानसभा क्षेत्र घोषित करने को लगा, इसके लिए क्या प्रयत्न रहेगा आपका? इसका जो भी काम बचा हुआ होगा ना, मैं पूरा सिस्टमेटिक ढंग से लिस्ट बनाऊंगा। जैसे मान लो पीएससी कितनी है, सीएससी कितनी है, अपने उप स्वास्थ्य केंद्र कितने हैं, इंग्लिश स्कूलें कितनी बनी हैं, जो भी वंचित रही है वो सब पूरा करवाऊंगा, और पानी के काम में कोताही नहीं बरतूंगा, और जितना भी काम वंचित रहेगा 5 साल मुझे मिल गए तो मैं 5 साल के अंदर वास्तव में इसको आदर्श विधानसभा करवा दूंगा, ये मेरा दावा है। थैंक यू।